ब्लैंक वर्ड्स फ्री वर्ड्स शेक्सपियर स्टाइल है बी एंड सी बी एंड सी वॉट विल बी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ब्लैंक वर्ड्स आपको हम बता दें प्रिल्यूड को 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने पब्लिश किया था इनकी डेथ के थ्री मंथ्स के बाद यानी कि विलियम वर्ड्स की डेथ के थ्री मंथ्स के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने 1850 1850 में प्रिल्यूड के नाम से पब्लिश की थी इनकी पोयम्स को अच्छा प्रिल्यूड जो नाम दिया वो इनकी वाइफ ने दिया था उससे पहले जो प्रिल्यूड को नाम दिया था विलियम वर्ट्स ने वो दिया था पोयम टू कोलरिज क्या दिया था पोयम टू पोयम टू कोलरिज को नाम दिया था ठीक तो जब इन्होंने इसको 1798 पर लिखना शुरू किया था और 1799 तक इन्होंने लिखा उस टाइम पर तो इस टाइम इसको टू पार्ट प्रूट कहा गया था क्या कहा गया था टू पार्ट प्रूट उस टाइम पर कहा गया था इसको टू पार्ट उस टाइम पर टू पार्ट प्रल्यूट कहा गया था ठीक है लेकिन जब इसको 1805 में विलियम वर्सपर्थ ने कंप्लीट किया था थर्टीन बुक्स के अंदर उस टाइम पर कितनी बुक्स थी इसमें थर्टीन बुक्स थी लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो 1850 में इनकी वाइफ ने 14 बुक्स में इसको पब्लिश किया था कितनी बुक्स में 14 बुक्स में और नाम दिया था इसको क्या पिल्लीव ओके ये आपको याद रखना है मतलब इसका नाम उन्होंने क्या क्या रख रखा था पोएम टू कॉलिज दे रखा था ठीक इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज 102. हंड्रेड टू द सेकेंड वर्जन ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेकेंड वर्जन जो था पिल्ल्यूड का वो कितनी बुक्स कंसिस्ट करता है अभी मैंने आपको बताया था 1805 में जो ने इसको लिखा था वो 13 बुक्स में लिखा था तो कितनी बुक्स बुक्स थी थी इसमें 13 बुक्स थी। इसको जो ओरिजिनली पब्लिश किया गया था वो क्या था के अंदर किसने किया था इनकी वाइफ मेरी हचिनसन ने किया था ये या आप याद रखें इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन जो कि है नंबर 103 हंड्रेड थ्री द एथ बुक ऑफ पेलूड एक्सप्लेन द मेमोरीज ऑफ जो एट्थ बुक है पेलूड की वो मैं किसकी मेमोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ वॉट विल बी आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन लव ऑफ नेचर लीड कहाँ को कर रहा है टू लव ऑफ मैन लीड कर रहा है यहाँ ये इसको शो किया गया है ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन जो कि है नंबर वन हंड्रेड फोर द सेंस ऑफ जॉय एक्सप्रेस बाई प्रिल्यूड बुक फर्स्ट इज जो सेंस ऑफ जॉय है जो प्रूड की बुक फर्स्ट ने एक्सप्रेस किया है सेंस ऑफ जॉय वो कौन सा है वो आपको बताना है डीप है लो है हाई है स्पिरिचुअल है जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डीप चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर वन हंड्रेड फाइव वर्ड्स नथिंग बेस ये किसने कहा वर्ड्स नथिंग बेस इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी ने कही लाइन ओके okay? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन वाज बोर्न इन वर्ष का जन्म कहां पर हुआ था ये तो आप जाने गए होंगे करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर बी को करना होगा अच्छा वर्षवत का जन्म हुआ है वो हुआ है सेवेंथ अप्रैल 77, 1770 में और जो उनकी डेथ हुई है है वो अप्रैल में ये है। कब बने थे? बने थे थे के अंदर ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नंबर वन हंड्रेड सेवन है ठीक है वर्ष वेंट टू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड इन सेवनटीन नाइनटी अलोंग विद्रेंड पूछा गया वर जो है फ्रांस और स्विटरलैंड गए थे 1790 के अंदर. अपने फ्रेंड के साथ में उस फ्रेंड का नाम बताना है, so, so है वो है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट जोन्स ये आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज नंबर वन हंड्रेड एट द ओनली प्लेयर रिटर्न बाई वर्षवर्थ वॉस वर्षवर्थ ने ओनली प्लेय लिखा है सिर्फ एक ही प्लेय लिखा है उस प्लेय का नाम पूछा गया है कौन सा है करेक्ट आंसर जो है उसको ऑप्शन नंबर डी है द बॉर्डर इस बॉर्डर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं इस बॉर्डर को लिखा गया है वो लिखा है सेवनटीन नाइनटी फाइव से लेकर सेवनटीन नाइनटी सेवन में लिखा गया है बॉर्डर है तो प्रोस फॉर्म में लिखा होगा फ्रोस लेकिन इसको लिखा है वर्ड्स फॉर्म के अंदर किसमें वर्ड्स फॉर्म के अंदर और ये एक ट्रेज है क्या है ये एक ट्रेजडी है इसमें एक्ट जो है वो फाइव एक्ट है कितने एक्ट हैं इसके अंदर फाइव एक्ट हैं ठीक है ये आप याद रख लें फैक्ट्स हैं जो इसको आपको लर्न करने चाहिए इसके बाद देखते हैं नंबर 109 अ लॉन्ग रिलीजियस पोयम रिटन बाय वर्सवर्थ दैट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग रिलीजियस पोयम रिटन बाय वर्सवर्थ दैट बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन नाइनटीन सेंचुरी में वो लॉन्ग रिलीजियस पोयम कौन सी है वो है ऑप्शन नंबर ए द एक्सकर्जन ठीक है एक्सकर्जन को लिखा था पब्लिश किया गया था 1814 के अंदर कब पब्लिश किया था 1814 में इसको जो इनकी द रिकलूज है जो द रिकलूज है उसका सेकंड पार्ट माना जाता है कौन सा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट माना जाता है पिल्यूड को ठीक है ये लिखी है इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स के अंदर किसमें लिखी है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दैट इज नंबर 110 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नेम्ड ए पोएट लोरियट इन पूछ चुका है विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लोरियट कब बने थे ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक तो वो बने थे 1843 में कब तक रहे थे 1853 तक रहे थे जब तक उनकी डेथ हुई थी इससे पहले थे रॉबर्ट साउथी कौन थे रॉबर्ट साउथी थे विलियम विलियम वर्सबर्थ से पहले रॉबर्ट साउथ थे विलियम वर्सबर्थ के बाद कौन थे टेनिसन थे कौन थे विलियम वर्सबर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे इसके बाद देखते हैं हम एमसी को नंबर 111 वर्सवर्थ वाद अवार्डेड बाय दी गवर्नमेंट अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ पूछा गया है कि वर्सवर्थ को एक सिविल लिस्ट पेंशन जो है अवार्ड की गई थी गवर्नमेंट ने की थी वो उसका अमाउंट पूछा गया है व्हाट विल बी आंसर करेक्ट आंसर फिर भी ऑप्शन नंबर ए थ्री हंड्रेड वो परियारित को प्रोवाइड की गई थी चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वो है नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व अमंग फॉलोइंग व्हिच इज नॉट थीम ऑफ पिल्यूड इन सब में से कौन सी थीम नहीं है की करेक्ट yeah. आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेस नहीं है बाकी लाइट है फिल्स है और टाइम है ये सब उसके पार्ट हैं ठीक है थीके? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर वन हंड्रेड थर्टीन द पिल्ड रिटर्न बाई वर्सव एक्सप्लोर दॉट ऑफ किस टाइम के थॉट्स को उन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया है तो टाइम है चाइल्डहुड का ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट द होप इन बुक फर्स्ट ऑफ पिल्ल्यूड गिव्स डिटेल ऑन द मैनी पॉसिबिलिटीज फॉर पोइटिक इंस्पिरेशन ऑफ मैरिज एक्टिव डेज फ्रेंड्स विद डेथ होप जो है वो डिटेल प्रोवाइड कराती है बताइए कौन सी वो कराती है एक्टिव डेज की बुक फर्स्ट के अंदर पिलूड में ठीक है ये आपको है पिलूड पब्लिश कब की गई थी 1850 में पब्लिश की गई थी ओके आप मुझे बताइए पिल्यूड पब्लिश

इसको जो तो पब्लिश किया गया था ना वो किया था एटीन जीरो सेवन के अंदर जो इनका पोयम कलेक्शन था पोयम इन टू वॉल्यूम्स के अंदर पोयम इन टू वॉल्यूम्स में इन्होंने इसको पब्लिश किया था किसको को ओके इसके बाद देखते हैं वन हंड्रेड सिक्सटीन वॉट इज द कॉटेज नेम वेयर माइकल इसाबेल एंड ल्यूक लिव इन द पोयम माइकल इनके कॉटेज का नाम बताना है आपको तो उसका नाम क्या था करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इवनिंग स्टार कहा जाता था क्योंकि वो बहुत दूर था अकेले में और जो उनका लैंप था वो जलता था तो उससे लोगों को लगता था कि कोई स्टार चल रहा है वहां पर स्टार जल रहा है स्टार साइन कर रहा है तो इसलिए वहां पर उसका नाम इवनिंग स्टार रख दिया गया है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छा जो माइकल है इसकी एज मेंशन की गई है स्टार्टिंग में तो उसकी एज थी 80 इयर्स ईसा की जो एज बताई गई थी वो थी 60 इयर्स और उसका बेटा है ल्यूक उसकी थी कितनी उसकी एज थी आई थिंक हाँ आई थिंक ना एटीन शोरूम है एटीन ही थी ये आपको याद रख लें ठीक है अच्छा तो ये माइकल है ये सेकंड एडिशन के अंदर जो लिरिकल बेलाट्स से, है उसके सेकंड एडिशन में इसको ऐड कर लिया गया था लिरिकल बेलाड के सेकंड एडिशन में इसको ऐड किया गया था ये आप याद रखें लिरिकल बेलाड के सेकंड एडिशन में इसको ऐड कर लिया गया था अब सेकंड एडिशन कब आया था वो आया था था 1800 1800 के अंदर। का सेकंड नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं नंबर में इसको मेंशन कर रहा हूं आंसर को इतना आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको याद है तो 118 देखें वर्ष वाइज अटेंडेड सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज एंड रिसीव्ड हिज बीए डिग्री वर्ष ने अटेंड किया है, अटेंड किया था सेंट जॉन कॉलेज जो कैम्ब्रिज के अंदर है पूछ रहा है उसने अपने बीए की डिग्री कब रिसीव की है सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1790 वन में इन्होंने अपनी जो है बी कैटेगरी रिसीव की थी चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन हाउ ओल्ड इज माइकल्स वाइफ इन द पोयम माइकल ठीक है जो माइकल की वाइफ है जो पोयम है माइकल के अंदर जो माइकल की वाइफ है इसाबेल कौन है इसाबेल है उसकी एज पूछी गई है अच्छा जो ल्यूक है इसका बेटा उसकी एज थी एटीन ईयर्स कितनी थी

वो किन्हें याद करते हैं वो आपको बताना है वॉट विल बी आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चैटरटन एंड बर्न्स को वो रिकॉल करते हैं ठीक है ये जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है ये क्या है लिरिक है ये क्या है लिरिक है इसको जो कंपोज किया गया था वो किया गया था 180 के अंदर पब्लिश हो गया था उसको 1807 के अंदर यानी पोरामिन टू वॉल्यूम्स के अंदर रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर 20 स्टेंजास हैं ठीक है और ये राइम रॉयल में लिखी गई किस है किसमें लिखी गई है राइम रॉयल में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइम रॉयल में कितनी लाइंस होती हैं ठीक है और हम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं किस नाम से लीच गैदरर जी ए टी एच ई आर ई आर लीच गैदर के नाम से भी हम इसको जानते हैं सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम ट्वेंटी एम सी कोवर करेंगे इस तरह हमने वन ट्वेंटी एम सी को ली है अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें थैंक यू सो मच